तन वतन मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। आज हम लोग जा रहे हैं इंडिपेंडेंस डे की शॉपिंग करने, और उससे पहले अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय क्यों कर रहे हैं? बाय नहीं कर रहे, हाय कर रही है। गाइस आज मेन बात यही है कि आज हम लोग जा रहे हैं झंडा लेने के लिए, और झंडे के साथ साथ हम बहुत सारी और भी चीज, छोटी छोटी चीजें लेंगे, छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स लेंगे और बाकी चीज भी लेंगे, तो हम आपको सब दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे गाड़ी में, ये देखिए काफी अच्छा लग रहा है ये झंडा, और ये देखिए ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि फुल लहरा रहा है ये। तो गाइस अब हम लोग मार्केट में पहुंच गए हैं, और गाड़ी लगाने के बाद जा रहे हैं झंडे की दुकान पे। कई सारी दुकान है तो हमें देखना समझना पड़ेगा कि कैसे झंडा लेते, मतलब किस दुकान से झंडा लेते हैं। पूरा दिखेगा तरफ, और हम वो देखते देखते अपने घर के लिए भी तिरंगा ढूंढ रहे हैं। ये हमें पहली दुकान दिख गई है जहाँ पे की झंडा मिल रहा है। अभी जो हम लोग शॉप पे गए थे उनके पास बड़ा वाला फ्लैग खत्म हो गया है, वो एक ही पीस बची थी जो कि अच्छी नहीं थी थोड़ा सा। तो हम लोग जा रहे हैं अब दूसरी शॉप पे देखने, वहाँ देखते हैं हमको बड़ा वाला फ्लैग मिलता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, तो झंडे हाथों हाथ बिक जा रहे हैं, बहुत सब हर जगह खत्म हो जा रहे हैं। बट यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ा सा झंडा है इनके पास। वह इधर हैट भी है, ये हैट लेनी है तुम्हें? अरे यार ये ऐसे पहन सकती हो, थोड़ा प्लास्टिक वाली हैट है। छोटे ये छोटे छोटे वाले भी हैं, और ये भी है, ये गाड़ी में भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन है। और ये तो छोटकू छोटकू झंडे तो बहुत सारे मिल रहे हैं। ये अच्छा साइज है, साइज तो अच्छा है हाँ, मगर भैया ये मेरे को अच्छा झंडा चाहिए, ये ऐसा वाला नहीं। कोई है जिसका थोड़ी बेटर फिनिशिंग हो? ये दीपा देखो इसकी ज्यादा सही है, ये वैसे सही लग रहा है मेरे को। ये डन कर रहे हैं हम लोग अपने लिए। ये कितने का इसका प्राइस आपने नहीं बताया भैया? 300 रूपए। हमने एक ये झंडा तो ले लिया है, बट हमें और भी चीजें लेनी है, सामान लेना है, तो हम चलते हैं दूसरी शॉप पे। चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बारिश भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, तो जैसे लोग कॉमनवेल्थ में जीत जाते हैं फ्लैग इंडिया का लेके चलते हैं, उस तरह से हम इंडिया का फ्लैग लेके चल रहे हैं, मगर हमने कुछ भी जीता नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट, हमने अभी तक कुछ भी नहीं जीता है। अब हमें इसके लिए पोल लेना है होस्ट करने के लिए, फ्लैग के लिए, क्योंकि एक्चुअली जो फ्लैग वाले हैं वो कपड़ा दे रहे हैं, तो आपको जो उसका पोल है वो दूसरी जगह से लेना पड़ता है। तो ये पोल लेने के लिए हम जा रहे हैं, हमें बताया आगे कोई देता है तो वहाँ से लेंगे हम लोग। तो ये वाली हमें ऐसे ऐसे सजाने के लिए अपनी बालकनी में चाहिए, और यहाँ पे पैकेट निकाल दीजिएगा इसका, कितनी पीस रहती है? 10 पीस रहती है। जैसे शॉपिंग होती है ईद दिवाली की भीड़ लास्ट में होने लगती है, कितनी ज्यादा भीड़। जैसे होली दिवाली और ईद की शॉपिंग में लास्ट डे में भीड़ लग जाती है ना दुकान पे, अलग अलग से चीजें मांग रहे हैं, कोई क्रॉस बेल्ट मांग रहा है, कोई कैप मांग रहा है, कोई बैच मांग रहा है। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ये अपनी बालकनी सजाने के लिए ये लिया है, ये झाला जैसा थोड़ा सा लड़ियां टाइप की है ये ले लिया है। उसके बाद ये मेन फ्लैग बड़ा वाला तो लिया ही हमने, उसके साथ साथ हमने अपनी गाड़ी में लगाने के लिए ये वाले भी छोटे छोटे दो फ्लैग लिए हैं, हम लोग सामने यहाँ लगा देंगे डैशबोर्ड पे। प्लस ये हमने अपनी गाड़ी पे बाहर से लगाने के लिए ये वाला लिया है, जो कि हम बाहर लगा देंगे अपनी गाड़ी के। और बाकी ये हमारा बड़ा वाला फ्लैग तो आप देख ही रहे हो, ये बड़ा वाला फ्लैग है, इसे हम ले जा करके अपनी बालकनी में लगाएंगे। और साथ में हम लोगों ने बैज भी तो लिए हैं, छोटे छोटे बैज भी लिए हैं। देखिए हम
बैचेस लिए हैं, ये हम लोगों ने लिया है, कई सारे हैं। बैंड भी है हाथ में पहनने के लिए। ये बैंड हाथ में पहनने वाला नहीं है, आपको बाल में बांधने वाला बैंड। ये लड़कियों का बाल में, बाल मेरे को लगा ये ऐसे पहना जाएगा यार, पहना जाएगा ये बैंड लड़कियों वाला ले लिया आपने। अरे यार मैं तो बेवकूफ बन गया, ये बेवकूफ बन गई है। और वो देखो बाहर फिर से रैली पे रैली हो रही है, मतलब झंडा लेकर के लोग जा रहे हैं। मतलब कि आपको हर कोई ऐसी सड़क नहीं होगी, कोई ऐसी मोहल्ला नहीं होगा जहाँ पे आपको ये फ्लैग वाली रैली ना दिखे। हाँ। तो हर तरफ आपको ये रैली और लोगों में उत्साह और जोश भरपूर नजर आएगा। हमें इंडिपेंडेंस डे के लिए स्वीट्स पैक कराने की सोच रहे हैं, तो हमने जो है एक मिठाई की दुकान देखी है, अब आपको वहाँ पे ले चलेंगे, तो देखते हैं कि वो एक चीज और बता दें आप लोगों को, वैसे तो लेट हो गया है ये, आप लोग अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से भी जाके फ्लैग को ले खरीद सकते हैं। वहाँ पे जो फ्लैग की कॉस्ट है वो 25 रुपीज की दे रहे हैं, तो वो काफी कम है। और बात ये है कि हम लोग ने थोड़ा लेट बताया, तो सॉरी इस चीज के लिए, हमको पहले बताना चाहिए था आपको। ट्रैफिक इतनी ज्यादा है, गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है, सिग्नल है, तो उसी में आप लोग एक थोड़ा सा शायरी सुन लीजिए। सिग्नल पे शायरी? हाँ सुनाइए आप। कशिश है उसकी या कोई अदा, कशिश है उसकी या कोई अदा, रास्ते में ट्रैफिक बहुत है। हाँ। रास्ते में ट्रैफिक बहुत है, गाड़ी इधर सटा। झंडा भी तो लेके आना होगा। तुझ पे कोई गम की आंच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आंच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। तो गाइस हम लोगों ने अपना फ्लैग तो ले लिया है, अब हम जा रहे हैं जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठने, क्योंकि आगे भी जाना है और फाइनली फ्लैग को हमें लगाना भी अपनी बालकनी में। ठीक है, हम लोग अपना सारा सामान लेकर के घर वापस आ गए हैं। अब हम, ये हमारा फ्लैग है, इस फ्लैग को हमें यहाँ पे बालकनी पे लगाना है, एंड उसके साथ साथ ये सारी चीजें डेकोरेशन की चीजें हैं जो हमें लगानी है, तो जल्दी जल्दी लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये हम लोगों की बालकनी है, दिस इज अवर बालकनी, एंड यहाँ पे हम अपना फ्लैग लगाएंगे और इस तरफ रेलिंग में हम लोग कुछ सजाएंगे, हम लोग कलरफुल लाए हैं वो यहाँ पे लगाएंगे, तो की अच्छी लगे लगने के बाद। अब हम लोग जल्दी जल्दी से लगाना शुरू करते हैं। हाँ। तो यहाँ पे ये, इसे लगाने के लिए हमें एक चेयर की जरूरत पड़ेगी। गिरना नहीं आप, क्योंकि आप गिर जाओगे तो फिर डेकोरेशन कौन करेगा। डेकोरेशन होने के बाद गिरना। वतन मेरे आबाद रहे तू, वेरी वेरी नाइस, बहुत ज्यादा। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। फ्लैग है इधर, हमारा ये डेकोरेशन है, लाइट जल रही है, है ना, सो दिस इज वेरी नाइस। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अभी हम लोगों का डेकोरेशन वगैरह सब हो गया है, हम लोग वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। जरूर बताना आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, कैसे कैसे आपने वो किया है, डेकोरेशन किया है, जरूर बताना, एंड हम लोग आपसे किसी अगले वीडियो में मिलेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। Thank you.